गोरखनाथ पुलिस ने 25,000 के दो शातिर इनामिया बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान जस्सू जायसवाल पुत्र राजेश कुमार जायसवाल निवासी EWS 60 राप्ती नगर फेज 4 थाना शाहपुर तथा सिराज पुत्र हशमत अली निवासी बसंतपुर मदरसा चौक थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। इनके पास से पुलिस ने दो पैकेट में 1 किलोग्राम 20 ग्राम नाजायज चरस जिसकी अनुमानित कीमत 90,000 रुपया जेवरात पीली धातु का हार चैन 1 झुमका 2 जोड़ा टफ्स 2 जोड़ा 1 बड़ी व 1 छोटी नथिया मंगलसूत्र का लॉकेट 1 नथिया लरी 1 नाक की कील 1 पुरुष तथा 2 लेडीज अंगूठी 1 जोड़ी पायल व 2 जोड़ी बिछिया सफ़ेद धातु की 1 स्कूटी जुपिटर UP 53CQ 2656 व 2 अदद इस्तेमाली स्प्रे व 2 अदद इस्तेमाली क्रीम बरामद की गई है। गोरखनाथ थाना पर घटना का खुलासा करते हुए CEO गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त पर लूट राजनी छिनेती जैसी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। CEO प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस की दबाव में आकर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम देना बंद कर चोरी करना शुरू कर दिया था। इनके कई साथी पहले से ही जेल में बंद हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए CEO प्रवीण सिंह ने बताया करते थे कि चोरी कर अभी इनका जो मोडस ऑपरेंडी था इन्होंने पूरी तरह चेंज कर दिया ये मतलब एंडिंग नहीं आ जा रहा। उसके अलावा इनका चोरी की घटनाएं अगर हम करेंगे तो पुलिस बहुत पीछा नहीं करती है इनका ऐसा मानना तो नहीं तो इनके पहले का जो आपराधिक इतिहास आप देखेंगे जस्सू और फिराज का इनके खिलाफ डकैती लूट आर्म्स एक्ट दो बार गैंगस्टर चोरी की घटनाओं के भी मुकदमे हैं जिनको आप लोगों को भेजा गया। लूट की घटना पुलिस से तक देखते ही बंद किए थे क्या ये? हाँ ये थोड़ा सा कम सकती चोरी की घटनाओं में ज़्यादा कर रहे थे। एक चोरी यहाँ मतलब गोरखनाथ में हुई थी उसमें एक महिला भी पुलिस में स्कूटी के साथ पूरी बात चित्री है गीता तिवारी जो कि सुल्तान की पत्नी है और सुल्तान ने जमानत करवा के अपने आप को सरेंडर किया। SSP महोदय के मार्गदर्शन में शहर में जो चोरी की घटनाएँ इधर बीच हुई थी उसके खुलासे के लिए क्राइम ब्रांच की टीम और स्थानीय थाने को लगाया गया था। उसी के क्रम में दो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जस्सू जायसवाल और सिराज ये दोनों ही वांछित अपराधी थे और गैंगस्टर के साथ ही साथ ये दोनों कुख्यातों के ऊपर करीब 25,000 रुपये का इनाम भी था और इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ है जिसमें से 2 चोरियाँ गोरखनाथ की और 1 चोरी कोतवाली की थी जो इस्माइलपुर में हुई थी। इस्माइलपुर वाली चोरी में और गोरखनाथ की चोरी में CCTV फुटेज भी था जो आप लोग को मतलब उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही इनके पास से चरस भी बरामद हुआ है जिसका कुल वजन तकरीबन 1 किलो 200 ग्राम के आसपास है। इसके साथ पीली धातु के जो चोरी किए गए आभूषण थे वो भी मतलब भारी संख्या में आपके समक्ष मतलब रखे गए हैं। साथ ही साथ कुल ये 90,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है जो इनका कहना है कि चोरी की घटनाओं में इनको प्राप्त हुआ था। इसके माध्यम से मैं अभी बताना चाहता हूँ कि इनके जो अन्य साथी हैं जिनका अनावरण इस केस में हुआ है जो इनके साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को करते थे उसमें कुख्यात गीता तिवारी उसका पति जिसने अभी 2 दिन पहले कोर्ट में सरेंडर किया वो सुल्तान और इसके साथ साथ अभी राजकुमार भी वांछित है। अभी इसमें से सुल्तान सरेंडर कर गए हैं। आप लोग बताना चाहता हूँ गीता तिवारी के लिए गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है और राजकुमार को भी बहुत जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इनके ही पकड़े जाने से चोरी की घटनाओं में मतलब भारी कमी आएगी। ये आप इस बात को जान लें कि आप लोग को अच्छी जानकारी है कि पिछले वर्ष जो सुल्तान और परवेज अंसारी गैंग को गिरफ्तार करके शाहपुर से जेल भेजा गया था उसमें कुल मिला के 10 लोग थे जिन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। इसमें से कुल मिला के 6 लोग तो अभी भी जेल में हैं उसमें सुल्तान भी जेल में चला गया सरेंडर करके और बाकी 2 ये 25,000 के इनामी आपके सामने हैं। इसके अलावा 2 वांछित अपराधी अभी उस गैंग के बचे हैं जिनको बहुत ही जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी तकरीबन अब 3 महीने से वांछित चल रहे थे जब से गैंगस्टर इनके ऊपर कायम हुए 3 से 4 महीने से वांछित चल रहे।